महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। लगभग डेढ़ दशक लंबे इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का अंत माही ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट से कर दिया। धोनी ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, जो 2019 के विश्व कप का सेमीफाइनल मुकाबला था। वो आखिरी मैच जिसमें उन पर टिकी करोड़ों निगाहें के सपने आंसू बनकर बह गए थे। विकेटों के बीच तूफान की तरह दौड़ने वाला खिलाड़ी अपने डेब्यू और आखिरी मैच में रन आउट होकर पवेलियन लौटा। टिकट कलेक्टर से ट्रॉफी कलेक्टर बने धोनी को पहली बार साल 2004 में भारतीय टीम के लिए खेलने का मौका मिला, मगर धोनी उस मैच में खुद को साबित नहीं कर पाए। धोनी ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू बांग्लादेश के खिलाफ 23 दिसंबर 2004 को किया था। उस मुकाबले में धोनी 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे। उस समय भारत का स्कोर 5 विकेट पर 180 रन था। मोहम्मद कैफ दूसरे छोर पर जमे हुए थे और 71 रन बनाकर नाबाद थे। तब पहली बार भारतीय ड्रेसिंग रूम से एक लंबे बालों वाला नौजवान बल्ला था में बल्लेबाजी के लिए मैदान पर जाते हुए दिखाई दिया था। धोनी ने अपने करियर की पहली गेंद खेली और दूसरे छोर पर खड़े मोहम्मद कैफ के बढ़ते कदमों को देख वो रन लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन कैफ ने बाद में मना कर दिया। मगर जब तक क्रीज पर धोनी वापस लौटते पहले ही खेल बदल चुका था। विकेट पर जमी गिल्लियां हवा में लहरा चुकी थी। धोनी पहली ही गेंद पर रन आउट होकर पवेलियन जाने लगे। धोनी एक दिवसीय मैच में आखिरी बार न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। 2019 वर्ल्ड कप के इस सेमीफाइनल मैच में धोनी ने कुल 72 गेंदों का सामना करते हुए 50 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लकी फर्ग्यूसन के ओवर की तीसरी गेंद पर वो 2 रन पूरा करने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान रन आउट हो गए। भारत ने न केवल यह मैच हारा बल्कि इसके साथ ही वर्ल्ड कप 2019 की जीत की रेस से बाहर हो गया था। धोनी के रन आउट की तस्वीर पूरे देश की उम्मीदों को झकझोर कर रख दिया था।